गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, आज हम आपकी 10th क्लास में फिज़िकल की ऑनलाइन क्लासेस लगाने जा रहे हैं। तो इसमें हम आज आपका चैप्टर नंबर जो 8 आपने शुरू कर रखा था, इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवा रखे थे, उसके आज मैं शॉर्ट क्वेश्चन आपको करवाने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, खेल कूद में भाग लेने में लड़कियों के सामने आने वाली कोई 3 कठिनाइयाँ बताएं। यानी कि उनके पास, यानी कि जब महिलाएं किसी खेल में भाग लेती हैं तो उनके सामने कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं। तो सबसे पहले खेल कूद में भाग लेने वाली लड़कियां या जो भी महिलाएं होती हैं उनके सामने जो कठिनाइयां आती हैं वो सबसे पहले ये है कि अधिकांश माता पिता क्या करते हैं, लड़कियों को घर से बाहर भेजना ठीक नहीं समझते। जो सबसे बड़ी मुश्किल आती है कि माता पिता चाहते ही नहीं कि लड़कियां बाहर जाएं। हमारे समाज में अभी भी लड़कियों के लिए खेल कूद में भाग लेने के लिए संकीर्ण दृष्टिकोण है, यानी कि खेल कूद को अच्छा नहीं माना जाता। तो यदि हमारा समाज अपनी इस सोच को, जो हमारी छोटी सोच है, इसको छोड़कर लड़कियों को खेल कूद में भाग लेने के लिए सहयोग दे तो लड़कियां भी खेल कूद में आगे बढ़ सकती हैं, यानी कि लड़कियां भी खेलों में अपना नाम कमा सकती हैं। सेकंड, गरीबी के कारण भी अधिकांश घरों में क्या होता है, पौष्टिक व संतुलित भोजन नहीं मिल पाता, इसलिए तो खास तौर पर लड़कियों को सही खुराक नहीं मिल पाती, जिसके कारण खेल में संतुलित भोजन ना मिलने के कारण उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें खेलों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि खेल खेलने के लिए भी हमें, हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए और हमें पौष्टिक आहार हमारे शरीर को मिलते रहना चाहिए। थर्ड है कि लड़कियों के खेलने का समय जो होता है वो कम होता है, तो वे स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने तक ही खेल पाती हैं, उसके बाद माता पिता लड़की की शादी कर देते हैं, इसलिए वो खेल कूद से वंचित रह जाती हैं। यानी कि वो सिर्फ जब तक पढ़ रही हैं तब तक ही खेलों में भाग ले सकती हैं, उसके बाद उनकी वो जो खेल की भावना है वो भावना ही बनकर रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, महिलाओं तथा पुरुषों में रचनात्मक अंतर, यानी कि उनका जो शारीरिक रचना होती है वो कैसी होती है। सबसे पहले आता है कद भार। तो जन्म के समय जब लड़के की जो सामान्य लंबाई होती है वो 51 सेंटीमीटर के करीब होती है और लड़कियों की 50 सेंटीमीटर, तो यानी कि उनके जो अनुपात होता है उनकी कद व भार का, उसमें भी जो 11.10 का अनुपात हो जाता है। 11 से 14 वर्ष के बीच में लड़कियां लंबाई और भार के पक्षों में लड़कों से आगे निकल जाती हैं, परंतु 14 वर्ष के बाद वो लड़कियां इस दौड़ से आगे निकल नहीं पाती। अस्थिर पिंजर, यानी कि अस्थि पिंजर व मांसपेशियां, तो पुरुषों का जो अस्थि पिंजर है वो महिलाओं के अस्थि पिंजर से अधिक ठोस, मजबूत, सुरक्षित होता है। महिलाओं ये जो मांसपेशियां हैं वो पुरुषों के अपेक्षा बहुत कमज़ोर होती हैं, जिसके कारण उनके जो नाजुक होते हैं शरीर के अंग, तो इसलिए ये भी एक प्रमुख इसका जो अंतर है वो है। थर्ड, गुरुत्व केंद्र, जो महिलाओं का गुरुत्व केंद्र है वो पुरुषों की अपेक्षा बहुत अलग सी नीचे की ओर होता है, इसलिए वो पुरुषों से ऊंची छलांग नहीं लगा पाती। रीढ़ की हड्डी के बीच वाला भाग, महिलाओं में रीढ़ की हड्डी वाला जो भाग होता है वो पुरुषों की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है। दोनों के इस भाग में आकृति में भी अंतर होता है। और श्रोणी भाग, हिप भाग, यानी कि जो महिलाओं की हिप है वो अधिक, पुरुषों से अधिक चौड़ी उसमें होती है, तो इसलिए जो स्त्रियों और पुरुषों के वो मुकाबले हैं उसमें वो कमज़ोर नज़र आती हैं। तो इस तरह स्त्रियों और जो पुरुषों की ये शरीर की रचना है उसमें काफ़ी अंतर दिखाई देता है। थर्ड क्वेश्चन है, महिलाओं तथा पुरुषों के शरीर क्रियात्मक अंतर को स्पष्ट कीजिए, यानी कि इनकी क्रियाओं में क्या क्या अंतर होता है। सबसे पहला है मांसपेशियों की शक्ति, महिलाओं में मांसपेशियों की शक्ति पुरुषों के मुकाबले कम होती है, इसी कारण महिलाओं के जो किसी चीज़ को खींचना है या किसी चीज़ को धकेलना है तो वो पुरुषों की अपेक्षा क्षमता उनकी कम होती है। फेफड़े और उनका सामर्थ्य, महिलाओं के जो फेफड़ों की लंबाई है, चौड़ाई है, वो पुरुषों के फेफड़ों की लंबाई चौड़ाई से कम होती है, इसलिए महिलाओं के फेफड़ों की सामर्थ्य भी कम होती है।
हृदय और रक्त प्रवाह, पुरुषों और महिलाओं के हृदयों के आकार में भी बहुत अंतर होता है। इनके भार में भी काफ़ी अंतर पाया जाता है। पुरुषों के हृदय का आकार और भार महिला के हृदय के आकार और भार से अधिक होता है। बड़े आकार वाला हृदय अधिक कार्य करने के योग्य होता है और महिला का जो रक्त प्रभाव संस्थान है वह पुरुष के रक्त प्रभाव से कम तीव्रता रखता है। यानी कि जो हमारा शरीर में जो हमारे रक्त का प्रवाह चलता है वो महिला का रक्त का प्रवाह कम चलता है, जबकि पुरुषों के रक्त का प्रभाव यानी कि उनका जो रक्त है वो तीव्र गति से तेज गति से कार्य करता है। रक्त पुरुषों के रक्त में लाल जो रक्त कणिकाएं होती हैं कण होते हैं वो अधिक होते हैं और महिलाओं के रक्त में ये कण बहुत कम पाए जाते हैं। इसी कारण पुरुषों की जो कार्य क्षमता है वो महिलाओं से अधिक होती है। तो अगला है भावुकता पर नियंत्रण। अधिकतर क्या समझा जाता है कि महिलाओं का अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पुरुषों की अपेक्षा कमज़ोर और कम स्थिर होता है। महिलाएं क्या हो जाती हैं, जल्दी जज्बाती हो जाती हैं। महिलाएं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाती। महिलाओं का जो संपूर्ण तंत्रिका तंत्र है उसका उतार चढ़ाव वो बना ही रहता है और महिलाओं में ये उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा संबंध रखता है। तो जो भावुकता होती है वो पुरुषों में बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो जल्दी से भावुक नहीं होते, वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं। सिक्स है प्रतिवर्त क्रियाएं। महिलाएं क्या होती हैं, वो प्रतिवर्त क्रियाओं में पुरुषों की अपेक्षा अधिक समय लेती हैं। गर्भ अवस्था यानी कि ये जो भेद है ये दोनों में बहुत ज़्यादा स्पष्ट अवस्था में होता है। महिलाओं के लिए अधिक शारीरिक क्रियाएं करना स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं है, यानी कि महिलाओं को इस समय ज़्यादा अधिक कार्य नहीं करने देना चाहिए। संवेदनशील महिलाएं पुरुषों के मुकाबले अधिक संवेदनशील होती हैं। वे छोटी से छोटी बात पर भी जल्दी उत्तेजित हो जाती हैं, चिंतित हो जाती हैं, तो अधिक संवेदनशील भी उन्हें पुरुषों से अलग करती है, यानी कि अपनी संवेदना को वो जल्दी ही दूसरों के सामने बयान कर देते हैं। इसलिए पुरुषों में जो संवेदनशील शक्ति है वो महिलाओं से अधिक होती है। महिलाएं अपनी संवेदन शक्ति को ज़्यादा देर तक नहीं रख सकती, वो अपनी भावनाओं को जल्दी ही दूसरों के सामने उजागर कर देती हैं। तो बेटा ये आपके 3 क्वेश्चन थे, इन 3 क्वेश्चनों को आपने राइट और लर्न करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और तब तक आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह लर्न कर लो। धन्यवाद।